नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क और टीम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एटॉमी में और अपनी आईडी प्लेस करते हैं, उसके बाद जो काफ़ी लीडर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि टीम को कैसे देखते हैं एटॉमी में। आप अपनी टीम को कैसे देखोगे, आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे देखोगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियो हम बनाया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमी में आप अपनी टीम और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को कैसे देख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ें उससे पहले, जो हमारे नए यूज़र्स हैं, कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एटॉमी से रिलेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, एटॉमी के अकाउंट में, ठीक है। एटॉमी का जो अकाउंट है, जो इंडियन यूजर्स हैं उनके लिए atomy.kr में उनको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ये पूरी की पूरी कोरियन लैंग्वेज में है, इसको आप और मैं नहीं समझ पाएंगे, इसलिए राइट टॉप कॉर्नर पे एक सर्कल देख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर 13 कंट्री में एटॉमी ऑलरेडी चल रही है और सारे कंट्री का नाम है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको USA या कनाडा की वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसमें क्या होता है कि सब चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती हैं, तो आपको और मेरे को ईजिली वो इंग्लिश समझ में आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलोअप करते हैं आगे, ठीक है। तो राइट टॉप कॉर्नर में जो सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो कंट्री की लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, USA, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, इन सब कंट्री में एटॉमी फुल्ली चल रही है, ठीक है। अगर आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाकर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम टीम चेक कर रहे हैं, तो टीम के लिए हम राइट टॉप कॉर्नर पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको कनाडा सेलेक्ट करना है, ठीक है, कनाडा या USA। तो जैसे हम कनाडा सेलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो ट्रांसलेट हो जाएगी आपकी इंग्लिश में, ठीक है। तो वो आपको और मेरे को इजीली समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने कनाडा सेलेक्ट किया तो ऊपर सेंटर में देख रहे हैं आप एटॉमी शॉपिंग मॉल, माई ऑफिस और CH.atomy। CH.atomy में एटॉमी से रिलेटेड सारा मार्केटिंग मटेरियल है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं बता देता हूँ, CH.atomy में आपको सारा मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा, एटॉमी से रिलेटेड PDF फाइल मिलेंगी, वीडियोज मिलेंगे, ठीक है, आप हर प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी यहाँ पे आपको। माई ऑफिस में आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी एटॉमी की आईडी का पूरा बायोडाटा मिलेगा, आपका पर्सनल PV, आपकी डाउनलाइन टीम का PV, लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको माई ऑफिस में मिलेगी। और शॉपिंग मॉल पे आप क्लिक करोगे तो एटॉमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, सारे हर प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस और उसका PV एज पर कंट्री वाइज। इस वेबसाइट में आपको कनाडा का प्राइस मिलेगा, वहाँ का PV मिलेगा अगर आप शॉपिंग मॉल पे क्लिक करते हो। तो चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं, हम टीम देखनी है हमें, माई ऑफिस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम माई ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन होगा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आपका पूरा बायोडाटा रहेगा। लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं आईडी नंबर है, सेंटर में माई टोटल PV है और जो आपकी टीम का PV है, लेफ्ट PV राइट PV आप देख रहे हैं वो है, ठीक है। और राइट साइड में माई कमीशन है, जो आपका कमीशन जनरेट होगा एटॉमी लॉन्च होने के बाद ऑफिशियली, और ग्रुप परचेज है, आपकी टीम में जो परचेजिंग अभी तक हुई है उसको हर महीने के हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक एक महीने में आपके डाउनलाइन टीम की कितनी PV परचेजिंग हुई है, उनकी आईडी पे कितना PV चढ़ा है, ठीक है। नंबर 3 पे इस पर क्लिक करना आपको, अगर आपको टीम देखनी है तो राइट साइड जो 3rd नंबर है राउंड सर्कल उस पर लीनेज लिखा होगा, LINEAGE, ठीक है, क्लिक ऑन योर लीनेज, ये लीनेज का आइकन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है राइट साइड में 3rd नंबर पे, ठीक है। और ये जो आईडी है तो इस आईडी के मेंबर को आप यूज़ मत कीजिए, ये जस्ट एक आपको बताने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये लीनेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टीम देख सकते हैं, यहाँ पे आप, तो ये एक नई विंडो ओपन होगी अगेन, ठीक है। तो इसमें आपका मेंबर आईडी ऊपर लिखा होगा, मेंबर लीनेज, सेंटर में देखो आप सर्कल के लेफ्ट साइड में सर्च पे क्लिक करोगे, जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपकी टीम की स्ट्रक्चर आ जाएगी टोटली, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ मेंबर आईडी नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, ये दो चीज़ दिखाई देंगी उसमें। ज़्यादा चीज़ देखने के लिए आपको एक आईडी पे कि भाई आईडी वेरीफाई हुई है कि नहीं, आईडी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, आपका पर्सनल PV कितना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो सेटिंग में कुछ चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं,
ठीक है। जैसे ये सेटिंग पे हमने क्लिक किया तो इसमें आपको मेंबर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन डेट का जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है, और डेट ऑफ इनिशियल परचेज पे क्लिक करना है, या लेवल देखना चाहते हैं ऊपर आप लेवल ऑफ सब लाइन तो वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको अपने नीचे 100 लेवल है, आपके नीचे 200 लेवल है वो आप देख सकते हैं। जनरली हम एटोमी में 100 लेवल तक की स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं। अगर आपकी टीम 2000 से ज़्यादा की हो गई है तो एटोमी आपको 2000 से ज़्यादा की टीम की स्ट्रक्चर नहीं देखने देगी यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे कंफर्म पे क्लिक करते हैं, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, अगर सब पे क्लिक कर दोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एक आईडी पे सेंटर कौन सा उसका, ठीक है, और एफिलेट ब्रांच कौन सी है, मेंबर वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, उसके नीचे लिखा होगा मेंबर वेरीफाइड अनवेरीफाइड, रजिस्ट्रेशन डेट कब है, और डेट ऑफ इनिशियल परचेज उसका, पर्सनल पीवी कितना है, ठीक है। तो ये सारा क्लिक करके इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगी, आपके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, मेंबर वेरीफाई हुआ है कि नहीं या अनवेरीफाइड है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी डाउनलाइन टीम के मेंबर वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी टीम की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करूँगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, ठीक है, अकाउंट में लॉगिन करना है, राइट साइड पे आपको क्लिक करना है कनाडा या यूएसए। जैसे आप कनाडा या यूएसए की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी की सारी, और सेंटर में आपको माई ऑफिस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही माई ऑफिस के ऊपर क्लिक करोगे एक विंडो और ओपन होगी, उस विंडो में राइट साइड पे थर्ड जो सर्कल है लीनेज, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लीनेज पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी, उस नई विंडो में सर्च पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, आपकी आईडी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी टीम दिखाई देगी। अगर ज़्यादा चीज़ें देखना चाहते हैं हर आईडी के ऊपर, रजिस्ट्रेशन डेट, वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, कितना पीवी है, सेंटर नेम, तो सेटिंग में जाकर के आपको जो भी बॉक्स आपको क्लिक करना है वो सारा क्लिक कर सकते हैं, और उस आईडी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से शो ऑफ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और आप अगर एटोमी टीम वॉरियर से जुड़ना चाहते हैं जो कि नंबर वन टीम इंडिया की हो चुकी है, और हमारी टीम का जो एजुकेशन सिस्टम है टीम वॉरियर का वो बहुत अच्छा है, उस एजुकेशन सिस्टम के अंडर आपको और आपकी पूरी टीम को पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर प्रकार की ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी, ताकि आप अपने इलाके में अच्छी टीम डेवलप कर पाओ और जल्दी से जल्दी आप मास्टरशिप लेवल अचीव करो दोस्तों। और टीम वॉरियर इंडिया में मैक्सिमम सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रही है दोस्तों। अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको टीम वॉरियर का पूरा सपोर्ट मिलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।